नीचे जाके साफ सफाई कर। मुड़के इस कमरे में आया तो तेरी बोटियां बोटियां कर दूंगा। जा। तेरा बेटा जवान हो गया है और बकरी के मेमने की तरह डरपोक भी। इतना डरपोक कि मेरी आवाज तो एक तरफ, मेरी तस्वीर देखकर भी थर थर कांपने लगता है, पसाब निकल जाता है। किशन बेटे, आज से तुम अपने पिता की वसीयत के मुताबिक कानूनन उनकी सारी जमीन और जायदाद के इकलौते वारिस बन गए हो। तू अभी ना समझ है, इतने बड़े कामकाज का बोझ अकेले नहीं उठा सकेगा। अंगूठा लगा दे। सोच कह रहा है, लगा अंगूठा। मैं नहीं लगाऊं। अंगूठा लगाएगा कि नहीं? अब हमको इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको मार के दरिया में फेंक दो। रो मत दीदी, किशन भैया जरूर लौट आवेंगे। ये सूअर जिंदा वापस कैसे आ गया? मालिक, मैं अपने गुनाहों की क्षमा मांगने और आपका बेटा कन्हैया आपको लौटाने आया हूं। वो रहा आपका बेटा। किशन का जुड़वा भाई। हाँ राधा, किसी के सामने ये जाहिर मत होने देना कि मैं तुम्हारा किशन नहीं हूं, क्योंकि किशन बनकर ही मैं किशन का पता लगा सकता हूं। अब तुम तीनों कान खोलकर सुन लो, राधा और मुझसे जो जो काम करवाते रहे हो अब तुम लोग करोगे। काम शुरू। क्या? हाँ मामा, ये किशन नहीं है, कन्हैया है। तो ये बात है।